Next contestant, please. पहले परफॉर्मेंस देख ले. साउंड. कोई साथ में आया? मम्मी. मम्मी आई है. मम्मी जी अंदर आइए प्लीज. नमस्ते. दिव्या मुझे एक बात आपकी बहुत अच्छी लगी आपके डांस में. यस सर. कि जब आपने डांस फॉर्म बदला. यस सर. तो आप अपने जूते निकाल करके. यस सर. यू नो पूजा करके फिर आपने शुरू किया. आई थिंक दैट वाज ब्यूटीफुल. सर मैं कहना चाहता हूँ आप जो स्टाइल मेरे को बोले ना मैं वो डांस करके दिखा दूंगा. यहाँ वो हमें दिखाई दिया. एक्चुअली आपने शुरुआत की फिर आपने फॉर्म चेंज किया. दैट्स अ वेरी गुड थिंग. आपने डांस सीखा है बेटा? ट्रेनिंग ली. आप? मैं इसकी मम्मा. आपको कैसे कब से पता चला कि ये डांस में इतना शौकीन? सर हमारे तो कहीं कोई डांस का नामो निशान नहीं है हमारी फैमिली में. लेकिन शायद इसको गॉड गिफ्ट है. हमने एक शादी में इसको डांस करते हुए देखा. अच्छा. तो इसने धूम का किया फर्स्ट टाइम डांस. ऋतिक का इसका नाम ऋतिक रख दिया. वहाँ बैरे क्या वेटर क्या सब इसके पीछे लग गए. ऋतिक एक स्टेप दिखा दो ऋतिक. और जो भी जैसे डांस के जितने भी प्रोग्राम आते हैं इतना मतलब उससे देखता है कि बस पूछो मत. हमें बिठाएगा देखो मम्मी इनके सुनो मम्मी ने इसको ये कमी बताई है और ना इसको मतलब इतना बहुत ज्यादा ट्रेनिंग से ली है. पूरा टाइम वो टीवी के सामने बैठता. पढ़ाई कब करते हो बेटा? आईडी डांस के नहीं छोड़ता ये. और कार्टून्स में शिनचैन का फैन है. पढ़ाई में कैसा है? पढ़ाई में मैडम 80 से तो अबव आते हैं लेकिन ऐसा नहीं कि 90 अबव आए. इसके भैया के आते हैं. क्या बात है. क्या कर रहे हो दिव्या वहां पे? आप खड़े होकर के आग बंद कर क्या कर रहे हो? सर प्रे कर रहा था. प्रे कर रहे हो? क्या प्रे कर रहे हो? कि सिलेक्शन हो जाए. तो रो क्यों रहे हो? प्रे करते करते रोया जाता है. आप तो बाहर से लेके अंदर तक प्रपोजल मार मार के थके नहीं अब एक सुपर विंग्स के लिए रो रहे हो. अच्छा आप क्या बोल रहे थे वहां पे? मुझे इतना सुनाई नहीं दिया ठीक से. वहां पे जब आए तब क्या बोल रहे थे? गीता मां कुछ तो इशारा कर रहे थे. क्या बोल रहे थे? कि वो मुझसे शादी करेगी. रोते रोते बोलोगे अभी? तो अगर एक्सेप्ट करना होगा तो भी मना कर देगी. रोते लड़के से कौन शादी करेगा भैया? गीता मां आप मुझसे शादी करोगे ये कौन सा प्रपोजल हुआ? अच्छा मुझे एक बात बताओ ये आप मुझसे शादी क्यों करना चाहते हो? आप बहुत अच्छी हो. अच्छा इसलिए शादी करना चाहते हो? ओ स्वीटी. अच्छा आपके डांस के बारे में बताऊं? यस तो मुझे आपका डांस काफी हद तक अच्छा लगा और मुझे ऐसा लगता है कि आपको अगर सिखाया जाए अच्छी तरह तो आप कर सकते हो. लेकिन जो हमारे सुपर विंग्स है ना वो तब लगते हैं जब तीनों मास्टर्स हाँ बोलते हैं. सर प्लीज सर. मैं आपको क्या बोलूं दिव्यम? एक ही बात बोल सकता हूँ. सर अगर हम सेलेक्ट हो जाता हूँ और आप कोई भी स्टाइल सिखाएंगे मैं बिल्कुल. तब रोना बंद करो ठीक से बात करो. रो रो के मुझे तो कुछ सुनाई नहीं दे रहा समझ में नहीं आ रहा. बहुत सारी स्टाइल एमजे जैज क्लासिकल बहुत सारी स्टाइल कर सकता हूँ मैं. और आपसे चाचा चा सीखना मिलेगा. सर से पॉपिंग एंड लॉकिंग और गीता माँ से सारी स्टाइल्स. ठीक है फिर मेरी तरफ से जिप जैप जूम. चलिए इनकी तरफ से तो जिप जैप जूम हो गया. रामा सर देखिए अगर रो के मांगोगे तो नहीं मिलेगा.
स्माइल करो। स्माइलिंग आल्सो, क्योंकि तुम्हें पोटेंशियल है और तुम कर सकते हो। फैंटास्टिक डांसर है और मुझे पूरा यकीन है कि वो हमारे टॉप 16 में होने ही वाला है, और अगर वो इसी तरह मेहनत करता रहा तो आई एम श्योर वो हमारे टॉप 6 में भी पहुंचेगा और शायद डांस का बाप बन के भी दिखा सकता है।